टीनी नाम की गौरैया अब सयानी हो गई थी। उसे अपने भविष्य की चिंता होने लगी थी। उसे अपने लिए और अंडे बच्चों के लिए एक नया आशियाना बनाना था। एक ऊंचे बबूल के कांटेदार पेड़ को सुरक्षित समझकर उस पर उसने एक शानदार घोंसला बनाने का निर्णय लिया। उसने जगह तलाशनी शुरू कर दी। बबूल के पेड़ पर बहुत सारे गौरैया के घोंसले लटके हुए थे। दूसरी चिड़ियों ने गौरैया को अपने पास घोंसला बनाने से मना कर दिया। टीनी को दुख हुआ, लेकिन वो हताश नहीं हुई। उसने घूमकर कई बबूल के पेड़ों पर जगह की तलाश करनी शुरू कर दी। वो जानती थी कि इस दुनिया में ईश्वर के अच्छे बंदों की कमी है, फिर भी ढूंढने से नेक बंदे मिल ही जाते हैं। अचानक एक गौरैया ने उसे आवाज दी। सुनो, इधर आओ। मैं देख रही हूँ तुम बड़ी देर से परेशान हो रही हो। तुम्हें घोंसला बनाना है तो मेरे पास वाली डाली पर बना लो, सारी चिंता छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टीनी गौरैया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्यारी गौरैया है। तुम सचमुच बहुत प्यारी हो, बड़ी नेक हो। मुझे अपने पास बुलाने और घोंसला बनाने के लिए जगह देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हर किसी को आशियाना चाहिए, सर छुपाने का ठिकाना चाहिए। हम छोटे जीव हैं, हमें धूप, बरसात और दूसरे खतरनाक पक्षियों और सांपों से बचने के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक सुरक्षित घोंसला बनाना होता है। इसलिए हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। टीनी, तुम तिनके इकट्ठा करने में जुट जाओ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। टीनी गौरैया तिनके इकट्ठा करने लगी और बबूल की डाल में लटकाने लगी। इसी बीच जोरदार आंधी आ गई। टीनी ने बड़ी मेहनत से जो तिनके लटकाए थे वो आंधी से उड़ गए। सारी मेहनत बेकार हो गई। टीनी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने फिर से अपना हौसला पक्का किया। वो फिर से तिनके लाने में जुड़ गई। प्यारी की मदद से फिर घोंसला बनना शुरू हो गया। इतने में बरसात शुरू हो गई। आसपास के इलाके के सारे तिनके गीले हो गए और कुछ बह गए। टीनी का काम मुश्किल हो गया। बरसात बंद हो चुकी थी, लेकिन उसे तिनके लाने के लिए अब नदी के पार जाने की जरूरत आ पड़ी। वो नदी पार करने के लिए उड़ी और फिर से बहुत जोरों की बरसात शुरू हो गई। टीनी बेचारी नदी के बीच में उड़ रही थी। उसके पंख बुरी तरह से भीग गए और वो उड़ ना पाने के कारण नदी में गिर पड़ी। वो डूबने लगी। उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। इतने में किसी अनजान सहारे ने उसे उठा लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो नदी के बीच किसी टीले पर आ गई हो। उसे जीने की आस मिल गई। टीनी ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि जहां वो सुरक्षित बैठ गई है वो कोई टीला नहीं बल्कि एक जल घोड़ा की पीठ थी। टीनी बहुत खुश हो गई। उसे नई जिंदगी जो मिल गई थी। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम भी भगवान के नेक बंदे हो। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। मैंने तुम्हें उड़ते हुए देख लिया था। जब तेज बरसात आई तब मैं समझ गया कि तुम्हारे ऊपर ये बरसात मुसीबत बनकर आई है। हमें किसी भी मुसीबत में एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लिया है। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं उसका भी इंतजाम करूंगा। जल घोड़ा ने टीनी को किनारे पर पहुंचा दिया। उसे कुछ खाने के लिए भी दिया। बरसात रुक चुकी थी। टीनी बोली, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? जल घोड़ा बोला, बहुत आसान तरीका है। टीनी बोली, वो क्या है? जल घोड़ा बोला, जब भी तुम्हें कोई प्राणी संकट में दिखाई पड़े तो उसकी यथा उचित मदद कर देना, वहीं मेरे एहसान का बदला पूरा हो जाएगा। तुम भी सचमुच बड़ी नेक हो। अगर तुम्हारी जैसी सोच सबकी हो जाए तो ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाए। टीनी वहां से उड़ी और बबूल के पेड़ पर पहुंच गई। प्यारी गौरैया ने फिर टीनी गौरैया की हौसला अफजाई की। दोनों घोंसलों में धूप और बरसात से पूरी सुरक्षा की व्यवस्था थी। हवा छन कर आती थी, तूफान भी उसे गिरा नहीं सकता था। टीनी उसमें आराम से रहने लगी। बरसात का महीना आ ही गया था। एक दिन बहुत बरसात हुई और चारों तरफ पानी भर गया। बबूल के पेड़ के नीचे भी पानी आ गया। सारे कीड़े मकोड़े पानी में डूबने लगे थे। टीनी को दया आ गई। उसने उन्हें बचाने के लिए अपने दोहरे घोंसले में से एक घोंसला नीचे गिरा दिया। उसके पास के कीड़े मकोड़े उस घोंसले पर चढ़ गए और घोंसला तैरने लगा। सारे कीड़े मकोड़ों की जान बच गई
ये देखकर टीनी खुशी से मचल गई। उसे जल घोड़े की कही हुई बात याद आ गई थी। उसका घोंसला कीड़े मकोड़ों को लेकर तैर रहा था और उसे बड़ा ही सुकून मिल रहा था। नन्ही चिड़िया चिम्मू के दोनों प्यारे बच्चे चुनमुन और चुटपुट बड़े हो रहे थे। वो उड़कर जंगल की सैर करना चाहते थे, मौज मस्ती करना चाहते थे, इसलिए अक्सर वो अपने पंख फड़फड़ाते थे। वो अपनी माँ और अन्य पक्षियों को उड़ता हुआ देखकर अपने बारे में सोचने लगते थे, बार बार पंख फड़फड़ाते थे। चिड़िया चिम्मू बोली, हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ। तुम दोनों उड़ना चाहते हो, इस पेड़ से उस पेड़ पर जाना चाहते हो, हवा में गोते लगाना चाहते हो। चुनमुन बोला, हाँ माँ हम उड़ना तो चाहते हैं, लेकिन गिरने से डरते हैं, इसलिए हिम्मत ही नहीं करते। सही कह रहे हो बेटा, कभी उड़े नहीं ना, इसलिए तुम्हें डर लगना स्वाभाविक है। धीरज रखो, मैं तुम्हारे मन का सब डर भगाऊंगी और तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। माँ मेरा भी डर भगा दो ना, मुझे भी उड़ना सिखा दो। आपने उड़ना कैसे सीखा था माँ? बच्चों मुझे भी मेरी माँ ने ही उड़ना सिखाया था, बोलना सिखाया था, अपने खाने पीने का इंतजाम करना सिखाया था, खतरनाक पशु पक्षियों से बचना सिखाया था। मैं भी तुम दोनों को सब कुछ सिखाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा एक बात याद रखना कि हो सके तो किसी के लिए अच्छा ही करना, कभी किसी का बुरा मत करना। कुछ दिन में बच्चे और बड़े हो गए। चिम्मू ने धीरे धीरे उन्हें हिम्मत वाला बनाना शुरू किया। उनके मन का डर निकालने लगी। डर पर विजय पाकर ही कोई कला सीखी जा सकती है। चुनमुन और चुटपुट भी अपनी माँ की सलाह को मानते हुए अपने घोंसलों में ही अपने पंख को खोलकर उछलने लगे। माँ का साथ पाकर उनकी हिम्मत बढ़ने लगी। माँ के निर्देश के बाद चुनमुन उड़ा और नीचे जाने लगा। चिम्मू माँ झट से उसके नीचे आ गई और सहारा दे दिया। चुनमुन ने जोर से पंखों को हिलाया और ऊपर उठने लगा। वो एक डाल से टकरा गया, लेकिन माँ ने संभाल लिया। इसी तरह चिम्मू माँ ने चुटपुट को भी उड़ने का पहला पाठ पढ़ाया। चुटपुट कमजोर था, इसलिए ठीक से उड़ नहीं पाया और जमीन की तरफ चला गया। माँ ने उसे भी संभाल लिया। कुछ देर के बाद जमीन पर जाने के बाद चुटपुट थक गया था, उससे फिर उड़ा न गया। चिम्मू बोली, बेटा हिम्मत करके फिर से उड़ो, तुम ऐसा कर सकते हो। चुटपुट ने कोशिश की लेकिन उड़ नहीं पाया। इतने में एक जहरीला कोबरा उसके सामने आ गया। माँ ने जब अपने जिगर के टुकड़े के सामने मौत को देखा तो वो स्वयं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। हे नागराज मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, मगर उसे कोई नुकसान मत पहुँचाना। कोबरा बोला, मैं तुझे और तेरे बच्चे दोनों को खा जाऊंगा, किसी को छोड़ने वाला धर्मात्मा मैं नहीं हूँ। माँ तुम उड़ सकती हो, उड़ जाओ, मेरे कारण अपनी जान मुसीबत में मत फंसाओ। तुम्हें मेरे जैसे कई बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी माँ नहीं मिलेगी। नहीं बेटा, अपनी जीते जी मैं तुम पर कोई हांच नहीं आने दूंगी। अब मैं इस नाग से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ती रहूंगी और तुम यहाँ से चले जाना। चिम्मू नाग को मारने के लिए आगे बढ़ गई और कोबरा भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच चिम्मू के दूसरे बच्चे चुनमुन ने अपने घोंसले के पास पेड़ से लटका हुआ एक फल नीचे नाग की तरफ लुढ़का दिया। फल सीधा नाग के फन पर ही गिरा और वो चकरा गया। उसे दिन में ही सितारे नजर आने लगे। चिम्मू माँ चिल्लाई, चुटपुट अब तुम ऊपर उड़ो, तुम बहादुर हो, शक्तिशाली हो। चुनमुन बोला, हाँ भैया सांप अंधा हो गया है, तुम्हें मौका मिल गया है, उड़ो और जल्दी मेरे पास आ जाओ। चुटपुट ने हिम्मत दिखाई और उड़ते हुए ऊपर डाल पर घोंसले के पास पहुँच गया। चिम्मू माँ भी उसके साथ साथ थी। अरे वाह माँ, मैंने तो उड़ना सीख लिया, अपने डर को भगा दिया। चिम्मू बोली, हाँ बेटा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसी तरह जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना और आगे बढ़ते रहना। एक दिन जंगल के पास की नदी में बाढ़ आ गई। पशु सुरक्षित स्थानों पर चले गए और पक्षी पेड़ों पर जाकर बैठ गए। पानी बढ़ने से उनके प्राण संकट में आ गए। चिम्मू और उसके बच्चों ने जब देखा तो वो बहुत ही दुखी हुए। चिम्मू के मन में उन्हें बचाने का एक नया विचार आ गया। उसने अपने बच्चों की मदद से पेड़ की बहुत सारी टहनियां नीचे चींटियों के बिल के पास गिरा दी। वो सारी टहनियां एक दूसरे से मिलकर पेड़ तक पहुंच गई थी। मेरी प्यारी चींटियों,
पानी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। तुम सब इन्हीं सूखी टहनियों पर चढ़कर आगे बढ़ते हुए इस पेड़ पर चढ़ जाओ। चींटियों ने चिम्मू के कहे अनुसार सूखी टहनियों पर चढ़ते हुए कतार बनाकर पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। सारी चींटियां सुरक्षित रूप से पेड़ पर पहुंच चुकी थी। सभी चींटियां बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। प्यारी चिड़िया, तुमने हमारे प्राण बचाए, हम आजीवन आभारी रहेंगे। हम सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव तुम्हारी सहायता करें। हमारे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बहुत छोटा सा सिंपी है। वो साधारण सिंपी नहीं बल्कि जादुई सिंपी है। वो सदैव तुम्हारी मदद करेगा। चिम्मू ने पानी में उतरने के बाद चींटियों से वो सिंपी लिया और बंदर भाई की मदद से उसे अपने गले में बांध लिया। 2 दिन बाद चुटपुट बीमार पड़ गया। उसने उड़ने की जिद की और ठीक से उड़ ना पाने के कारण जमीन पर पहुंच गया और उठ न सका। इतने में वही जहरीला कोबरा उसके सामने आ गया। चुटपुट डर गया और पीछे जाने लगा। मौत सामने खड़ी थी। चिम्मू उड़कर नीचे पहुंच गई। कोबरा फन निकालकर वार करने ही जा रहा था। भगवान बचाइए! इतने में जादुई सिंपी से तेज रोशनी निकली और सांप के फन पर जाकर पड़ गई। सांप का फन तेजी से नीचे पटक उठा, जैसे किसी ने उस पर वार कर दिया। इसी तरह से 2-3 बार सांप ने झटका खाया। जख्मी होकर वो चकराया, इतना पीटा कि समझ न पाया। अब नेवले का नंबर आया। चिम्मू का दोस्त नेवला सांप की पिटाई करने लगा। कोबरा डरने लगा, मार खाकर पिछड़ने लगा। अंत में नेवले ने उसकी जीवन लीला समाप्त ही कर दी। चिम्मू ने जादुई सिंपी के बल पर नेवले के 2 जख्मों को भी ठीक कर दिया। इसके बाद अपने बीमार बच्चे चुटपुट को भी उन्होंने ठीक कर दिया। चुटपुट ठीक होकर उड़ने लगा। चुनमुन भी साथ हो लिया। दोनों हवा से बातें करने लगे और उनके पीछे पीछे माँ चिम्मू भी उड़ रही थी। एक बरगद के पुराने पेड़ पर मोटा सा कौवा रहता था। वो दिन भर कांव कांव करता, आलस करके बैठा रहता और चोरी करके अपना पेट भरता। उसका घोंसला भी कई जगह से टूटा हुआ था। उसके पास ही एक छोटा कबूतर रहता था। वो बड़ा मेहनती और नेक था। उसने अपने घोंसले को भी बहुत ही शानदार ढंग से बना रखा था। वो हर पक्षी की मदद करता था। कबूतर कौवे को अक्सर अच्छी राय ही देता था, मगर कौवा उसकी बात सिर्फ सुन लेता था। कौवा भाई, आकाश में बादल इकट्ठे हो रहे हैं, बीच में तूफान का भी अंदेशा है। क्या तुमने अपने घोंसले के हालात के बारे में भी सोचा है? सही कह रहे हो भाई, सोच रहा हूँ 2-3 दिन में घोंसले की दुरुस्ती होनी चाहिए। मौसम जैसा भी हो, उससे अपनी दोस्ती होनी चाहिए। कुछ देर के बाद कौवे ने पेड़ पर इधर उधर नजर दौड़ाई और उसे कुछ घोंसलों में खाने की वस्तुएं पड़ी दिखी। बस फिर क्या था, खाना चुराना और खाना। चोंच मार कर लपक लिया, मुफ्त का खाना चुरा लिया। चाहे जहां से मिले खाना, बस उसे था चुराना। उसे घोंसले से ज्यादा पेट की चिंता रहती थी। उसकी आलस ही फिर चोरी में बदलती थी। 3 दिन बीत गए और कौवा आलस करके बैठा ही रहा। बीच में कुछ तेज हवा चली और कौवे के दिमाग में मच गई खलबली। उसका आधा घोंसला देखते ही देखते उड़ गया। कौवा सर पकड़कर बैठ गया। अरे कौवा भाई, कौवा भाई, लगता है मेरी बात समझ नहीं आई। अब घोंसला कहाँ से आएगा? लगता है जो बचा है वह भी जाएगा। 3 दिन बीत चुके हैं और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। बात तो तुम्हारी सही है, अच्छे समय पर कही है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। घोंसला जो नहीं है तो निकलना ही पड़ेगा। कौवे ने इधर उधर हाथ पैर चलाए, कुछ टूटे फूटे तिनके जुटाए। घोंसला बनने लगा और पानी बरसने लगा। वो परेशान हो उठा और कबूतर की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगा। अब देख क्या रहे हो, मेरे घोंसले में जल्दी से चले आओ। भीगो मत, यहाँ आकर पंख सुखाओ। देखा, आलस का नतीजा इसी तरह पाओगे। अब संभल भी जाओ वरना बहुत पछताओगे। कौवा कूद कर कबूतर के शानदार घोंसले में आ गया। कुछ देर के बाद बरसात थम गई। कबूतर ने अपना प्रयास जारी किया और देखते ही देखते एक छोटा सा प्यारा सा घोंसला बना दिया। कौवा फिर आलसी की तरह कबूतर के ही घोंसले में बैठा रह गया। फिर से बरसात शुरू हो गई। अब कौवा कबूतर द्वारा बनाए हुए अपने घोंसले में सुरक्षित बैठा था। कौवा भाई, समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे घोंसले को और बड़ा बनाऊंगा। तुम्हें भी जुड़ना होगा वरना अकेले में क्या कर पाऊंगा।
बात तो सही कह रहे हो भाई। हमेशा सही सही कहने के बाद तुम्हारे हाथ में दही जम जाता है। कौवा बोला, बात सही है। बड़े बेशरम हो यार। ये भी सही है। तुम्हारा क्या होगा, ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कौवा बोला, ये आधा सही है। अरे भगवान भी तो जानते हैं। बरसात का मौसम था, लेकिन बादल धीरे धीरे आकाश को छोड़कर कहीं और चले गए। गर्मी बढ़ी और अकाल पड़ गया। फसलें चौपट हो गईं। सूखे के कारण सभी जीवों के खाने के लाले पड़ गए। पंछियों को चारा न मिला और उनके बच्चों का भी भूख से बुरा हाल होने लगा। कौवे ने अपनी आदत नहीं छोड़ी और चोरी करने से भी वो बाज नहीं आया। कबूतर से पक्षियों का दर्द देखा न गया। वो उड़ते हुए गंगा मैया की शरण में गया। कबूतर बोला, हे गंगा मैया, जंगल के सारे पक्षी भूख से बेहाल हो रहे हैं। सब दाने दाने को मोहताज हैं। छोटे छोटे बच्चे जब बिलखते हैं तो दिल रोता है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि बच्चों की भूख मिटाई जा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अचानक गंगा मैया के पानी में हलचल हुई और उसमें से आवाज आई। गंगा मैया बोली, हे कबूतर, तुम बहुत नेक और परोपकारी हो, अच्छे फल के अधिकारी हो। यहाँ से जब जाओगे, जहाँ चोंच लगाओगे ढेर सारे दाने पाओगे। सबका कल्याण करो। जय हो गंगा मैया की, आपकी कृपा अपार है माँ। इतना कहकर कबूतर दोगुनी गति से उड़ चला और अपने आवास पर पहुँच गया। उसने पेड़ के पास जमीन पर चोंच मारी और चमत्कार हुआ। वहां से तरह तरह के दाने और खाने के व्यंजन निकलने लगे। सारे पक्षी वहां दाने खाकर चोंच में भरने लगे। कौवा जब खाने चला तो उसकी चोंच ही नहीं खुली। वो हैरान और परेशान हो गया। वो रोने लगा, तड़पने लगा। ये तुम्हारी करनी का ही फल मिला है। चोरी और आलस का यही नतीजा होता है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। चोंच कैसे खुलेगी वो हल भी ढूंढूंगा। जय हो गंगा मैया। इतना कहकर कबूतर ने अपनी चोंच कौवे की चोंच से लड़ा दी और कौवे की चोंच खुल गई। वो खाने लगा। कबूतर बोला, कौवा भाई, पता नहीं, बस एक मिनट रुक जाओ। पहले एक कसम खाओ कि आज के बाद कभी चोरी और आलस नहीं करोगे। कौवा बोला, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी आलस और चोरी नहीं करूँगा। मेहनत से अपना पेट भरूंगा। कबूतर भैया को अपना गुरु कहूंगा। इतने में कबूतर ने खुश होकर आकाश की तरफ चोंच उठाई और नई नई बद्रिया नजर आई। देखते ही देखते मौसम सुहाना हो गया। बरखा की बहार देखकर सबका मन दीवाना हो गया।